तो हाइपर लिंक की हम बात करते हैं कि हाइपर लिंक कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आप कहीं पे क्लिक करें, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया गूगल, तो मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करते हैं गूगल ओपन हो जाए, तो यहाँ लिंक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम इसका एड्रेस डाल देंगे .google.com। तो ये गूगल ओपन कर देगा क्लिक करते हैं। कोई पर्टिकुलर फाइल है, आप फाइल को लिंक करना चाहते हैं अपने एक्सेल का, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप जो यहाँ अपनी जो जहाँ आपकी फाइल पड़ी है उस लोकेशन में जाके उस फाइल को करें तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। कोई फोल्डर आप ओपन करना चाहते हैं इससे, तो आप इसमें आप जो है फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। कुछ फोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ये आपका फोल्डर हो जाएगा। बस ऐसे फाइल एंड फोल्डर सिंपल होता है। अब इसी फाइल में मान लीजिए मैं आपको शीट 3 या शीट 5 पे जाना चाहता हूँ, मैं शीट 3 पे जाना चाहता हूँ, तो आप जो है एक ही में अलग एक ही माने कि डॉक्यूमेंट में अलग अलग शीट्स पे भी लिंक कर सकते हैं। बुकमार्क पे जाके शीट 3 कर दीजिए एंड ओके हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते शीट 3 पे पहुँच जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे शीट 3 पे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे करना है टॉप और नीचे करना है बॉटम, ठीक है बॉटम। अब मैं क्लिक करूं तो ये नीचे यहाँ Q70 पे आ जाए, और Q70 पे जब क्लिक करूं तो ऊपर चला जाए, जो टॉप हमारा है यहाँ Q4 पे चला जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीट कौन सा, सीट 1 है, सही है, लिंक पे आना है, बुकमार्क पे जाना है और सीट 1 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे Q4 का एड्रेस दे दीजिए, देन ओके। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए Q4 पे आ गया, और मैं इस पर क्या करता हूँ लिंक लगाता हूँ और इस पर सेम बुकमार्क और यहाँ Q70 ओके करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो Q70 पे चला गया। इस तरह से आप लिंक लगा सकते हैं एक ही सेट के अंदर, राइट सर।